हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने किचन रेसिपीज में और मैं शेयर करूंगी आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी जिसे बनाना बिल्कुल आसान है हम इसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम चीज़ों से एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना करके तैयार करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई और फ्लेम को कर लेना है बिल्कुल लो अब हम इसमें ऐड करते हैं देसी घी यहाँ पर हमने जो घी है वो एक कप लिया है और इसी कप के मेज़रमेंट से हम पूरी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे इसमें से हमने थोड़ा सा घी बचा लिया था इसको हम बाद में यूज कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो बस अब हमने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है तब तक जो घी है वो मेल्ट भी हो जाएगा तो बस आप यहां पर देख सकते हैं। एक दो इस तरह से, यह से कर लें। मेजरिंग के लिए। तो बस यहाँ हम इसमें दो कप बेसन ऐड कर देंगे और बेसन ऐड करने के बाद अब हमने करना क्या है कि इसको घी में हमने भून लेना है और इसके लिए हमने गैस की जो फ्लेम है इसको बिल्कुल ध्यान से मीडियम को तो लो ही रखना होगा अगर हम फ्लेम को हाई करते हैं जो बेसन है वो जलने लगेगा तो बस आप देख सकते हैं अब हम इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे और जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये शुरुआत में जो बेसन है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो जाएगा लेकिन आपने इसमें कुछ भी चीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी जैसे कि घी वगैरह तो हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे तो यहाँ अभी से एक से दो मिनट हो चुके हैं लेकिन ये अभी भी टाइट है तो हम इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से लगातार हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना क्योंकि जो बेसन है वो नीचे कढ़ाई में लगने लगेगा तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली होनी शुरू हो गई है और अगर हम लड्डू बनाने के लिए ये वाला प्रोसेस सही तरीके से करते हैं जो लड्डू हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे क्योंकि बेसन के जो लड्डू है ना सभी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं अगर हम इनको बनाना शुरू करते हैं तो ये कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं अगर आपको भी एकदम मार्केट के जैसे परफेक्ट तरीके से लड्डू बनाने हैं ना तो बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे जिससे कि जो आपके लड्डू है ना एकदम बढ़िया बन करके तैयार होंगे तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम बेसन को चलाते जा रहे हैं जो बेसन है वो पतला होना शुरू हो रहा है लेकिन हम इसे इसी तरह से चलाते रहना जब तक कि ये एक बढ़िया से कलर में नहीं आ जाता और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती इसे भूनने में हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन हमने इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चलाते हुए इसे भून लेना है और अगर आप इसमें कलर यूज करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पर इसमें कलर ऐड कर दे लेकिन हमने इसमें कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया क्योंकि हम बिना कलर वाले ही लड्डू बनाएंगे और जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो अभी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और जब ये भून जाएगा तो इससे बहुत ही अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो अभी यहाँ पर मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ इसके एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है लेकिन कलर आने तक अभी हमने इसको दो से तीन मिनट तक के लिए इसे इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेना है और अब इस टाइम पर इसमें ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर या फिर आप हरी इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हमने इसे फ्लेवर के लिए ऐड किया है लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो बेसन का कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है हमने इसी कलर में रखना था बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जब ये भुन जाता है और फ्लेम को कर देंगे अब हम ऑफ और जब ये भुन जाता है ना इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू होगी तो अभी हम इसको करते हैं साइड में और इतने हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं जब तक ये ठंडा होगा तो ये हमें लिया है एक ग्राइंडिंग जार और वही सेम कप से हमने ली है चीनी तो यहाँ जो हमने चीनी है वो दो कप ली है हम दो कप बेसन के लिए दो कप चीनी का ही यूज करेंगे दोनों की क्वान्टिटी हमने रख रही है चीनी की भी और बेसन की भी अब इसमें चार हरी इलायची डालते हुए हम इसको दर दरा करके पीस लेंगे हमने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरह की इसको रखनी थी ये थोड़ी सी दरदरी है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है और अगर आप चाहें तो चीनी की जगह बूरा का भी यूज कर सकते हैं तो अभी हम इसको करते हैं अलग बॉल में ट्रांसफर और यहाँ पर देखिए हमने चीनी को इसी तरह की पीसनी है और जो हमारी बाकी का दूसरा कप बचा हुआ है इसको भी अब हम इसी ग्राइंडिंग जार में उसी तरह से अच्छे से पीस लेंगे तो बस यहाँ पर जैसे ही हमारी चीनी पीस जाती है और इधर मैं आपको दिखा दे देती जो हमारा बेसन है वो भी काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है हमने इसको बिल्कुल पहले ठंडा कर लेना है और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसी हुई चीनी तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल बेसन ठंडा होना चाहिए गर्म गर्म बेसन में हम चीनी या बूरा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गरम गरम बेसन में चीनी मेल्ट हो जाती है जिससे कि जब हम इसके लड्डू बनाएंगे जो लड्डू है वो बहुत ज्यादा पतले हो सकते हैं इसलिए बिल्कुल ठंडा करके ही बेसन में चीनी ऐड करें तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे पहले ये थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा ड्राई लग रहा है लेकिन हमने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये इस तरह से नहीं हो जाता तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीनी वाला पाउडर था वो काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू तो ये देखे थोड़ा सा पोर्सन लेना है और हाथ से दबाते हुए इस तरह से हमने इसके लड्डू बना लेना है और इनका जो साइज है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें आप चाहें तो इनको कम ज्यादा कर लें तो यहाँ हमने रखा है इनको मीडियम साइज का और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाएंगे जिसके लिए आपको ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो अब हमने इसी तरह से सभी लड्डुओं को जल्दी जल्दी बना करके तैयार कर लेना है तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे लड्डू जो है बन करके हो चुके हैं रेडी अब हमने इसकी थोड़ी सी लुक के लिए गार्निशिंग कर लेनी है बारीक चॉप की हुई पिस्तों की लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी और ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर लें या फिर अगर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इन्हें खाओगे ना तो बेहद टेस्टी लगेंगे तो लीजिए ये हमारे मार्केट के जैसे बेसन के लड्डू बनकर के तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर के तैयार हुए हैं इनमें ना तो हमने कोई कलर यूज़ किया है और बनाने बिल्कुल आसान है अगर आपको ये हमारी लड्डू की इजी सी रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें